हॉलीवुड के दबंग सलमान खान इस समय बिग बॉस की सीजन 14 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। सलमान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग भी फिर से शुरू कर दी है। सल्लू मियां की आने वाली फिल्मों का इंतजार तो हम सबको बेसब्री से रहता ही है और अब सल्लू मियां ने दे दी है एक गुड न्यूज। अजीब फिर क्या, शुरू हो गई है फिल्म की शूटिंग, तो कब आएगी फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाते हैं आपको। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही होता है, चौंकिए मत, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा कहा गया है मोस्ट वांटेड फिल्म के ट्रेलर में। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही होता है, और आज हम इसी फिल्म की बात करने वाले हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और सलमान खान के फैंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सलमान लौटे हैं 6 महीने बाद अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग के लिए। जी हाँ, हमारे सल्लू मियां ने शुरू कर दी है फिल्म की शूटिंग, और सेट पर पहुंचते ही सलमान ने दिखा दी है अपने फैंस को राधे की पहली झलक। सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसे देखकर लगता है कि ये फोटो किसी धमाकेदार गाने की शूटिंग की है। फोटो में सलमान एक बेहद स्टाइलिश जैकेट में नजर आ रहे हैं। सलमान के साथ साथ उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। पर ये क्या, भाईजान का मुस्कुराता चेहरा नहीं दिख रहा। बैक साइड की ये लेटेस्ट फोटो काफी कमाल की है, जिसे देखकर फैंस के चेहरे में मुस्कान आ ही गई। बता दें कि इस फिल्म के 2 गानों की शूटिंग और कुछ दिनों का पैच वर्क बचा हुआ है। फिल्म में एक बार फिर साथ नजर आएंगे दिशा पाटनी और सलमान खान। भारत फिल्म के बाद दोबारा साथ होगी ये जोड़ी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी देंगे सलमान का साथ। राधे 2020 ईद तक रिलीज होनी थी, पर अब देखने वाली बात होगी अब ये फिल्म कब रिलीज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।